में जाके प्रचार किया था उसके आधार पे, और हमारा एक योजना था पंचरत्न योजना, उसमें लोगों का रिएक्शन देके हमने ये रिजल्ट नहीं एक्सेप्ट किया था। एक्चुअली हमारा सीट बढ़ेगा, इवन हमारा नेता का मानना ही था कि हम पूर्ण सरकार बन जाएगा, लेकिन जनता का जनादेश हम एक्सेप्ट करके और आगे कैसा करने का वो हम सोच रहे हैं अभी। आपकी सरकार बन जाएगा ये आपने एक्सपेक्ट किया था, कैसे? मतलब आप कह रहे थे कि आप क्योंकि अपने दम पर क्लियर मैंडेट ले आते, 113 हाँ लिया था जेडीएस ले एक्चुअली आते। एक्चुअली जी जी एक्चुअली कुमार स्वामी ने, पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने ये किया था कि 110 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके पूरा तालुक और विलेज में जाके उन्होंने प्रचार किया था, लेकिन बाद में वो पहले मुख्यमंत्री था 2018 2006 to 2008, उस टाइम भी उन्होंने फार्मर्स का लोन वेव अप किया था इसका वजह, और अच्छा अच्छा स्कीम्स भी दिया था। इसके वजह से हम सोच रहे थे 2023 में हम पूरा मेजोरिटी मिलेगा करके हम सोच रहे थे, किसके साथ लेकिन मिलकर फाइनली जनादेश मेजॉरिटी, किसके जनता साथ का मिलकर, जनादेश हम कांग्रेस के एक्सेप्ट साथ या करना बीजेपी के पड़ेगा। साथ? क्या सर, सॉरी, किसके साथ मिलकर मेजॉरिटी, कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ? इंडिपेंडेंट पार्टी आने वाला था, लेकिन जनता का जनादेश हम एक्सेप्ट करना चाहिए अभी। नहीं, वो तो खुद कह रहे थे किंग मेकर। किंग मेकर तो बना दिया था लास्ट, और लास्ट टाइम का इलेक्शन में, अभी तो किंग होने के लिए हम जा रहे थे, लेकिन फाइनली जनता ने क्या आदेश दिया वो आदेश को हम पालना करना पड़ेगा अभी। किससे ज्यादा नुकसान हुआ, कांग्रेस से या बीजेपी से? कहा जा रहा है कि सारा आपका वोट जो है कांग्रेस को ट्रांसफर हो गया, वो तो मैक्सिमम दोनों वोट दोनों पर दोनों हाँ मैक्सिमम वोट्स तो कांग्रेस से है, हुआ कांग्रेस को नुकसान ट्रांसफर हो हुआ। गया। या तो कांग्रेस को ट्रांसफर क्यों हुआ, मतलब ये आप बता पाएंगे? फिर मैं जफर भाई आपके पास आ रहा हूं, कांग्रेस को कैसे ट्रांसफर होगा? क्या पोलराइज हो गया, क्या हुआ, रिवर्स पोलराइजेशन हो गया, क्या हुआ? क्या हुआ, हमारा लीडर्स थे वो लीडर्स पहले से ही, आपको मालूम है 2018 में वो हमारा पार्टी का 3 MLA वो पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया था, गवर्नमेंट भी उन्होंने पढ़ाया था कांग्रेस ने। अभी क्या हुआ उसके बाद वो कांग्रेस के लिए वो दूसरा हमारा पार्टी का लीडर्स भी है वो लोग भी थोड़ा कांग्रेस से सहमत था, इसलिए हमारा पार्टी का सीट्स नहीं आया। वोट ट्रांसफर हुआ, एमएलए तो नहीं ट्रांसफर होंगे ना अभी? वैसे तो उनको जरूरत ही नहीं है, 136 है अभी। आपको ये भी बुरा लग रहा होगा, थोड़ी सी कम रह जाती तो हमारी थोड़ी प्रासंगिकता या रेलेवेंस बनी रहती। नहीं बड़ा जी, पाटिल जी, यस सर, ठीक है। जफर हाँ, पहले हाँ जफर, हाँ बोले बोले, पूछिए पूछिए, देखिए डायरेक्ट पूछिए। दो डे वन से ही जफर जी, ये इलेक्शन आपको नहीं लग रहा कि पूरा का पूरा एक पक्षी चुनाव था, और ये कांग्रेस के पक्ष में एक पक्षी था पूरी तरीके से? तो ये जो इतना बड़ा सा अंतर आया है, इसमें हम लोग केवल अब ये तो नहीं कह सकते कि लोकल लीडरशिप का ही केवल फेल्योर है, या एक तरह तो से डबल इंजन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री या माननीय गृह मंत्री इन तमाम लोगों ने जमकर रैलियां की और उसके बावजूद भी परिणाम किस रूप में आए? तो यहां कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े लोगों को भी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना इस पूरे मामले में। जो बड़े आरोप कांग्रेस ने लगाए थे कि 40% कट का मामला जो है, तो सोचिए कि वो तो आरोप के ऊपर कहीं ना कहीं जनता ने अच्छा मोहर राहुल लगा जी, दिया है यहाँ राहुल पे। जी ये जवाब दे देंगे जफर भाई, कितने चुनाव हारे राहुल जी ने, जिम्मेदारी ली क्या राहुल गांधी ने? अरे बिल्कुल, आपको याद होगा कि 2019 के कौन लोकसभा सी चुनाव के बाद जिम्मेदारी जब ली, हार हुई थी, हार के बाद तो उनको सेहरा पहनाया नहीं नहीं गया, अरे 2019 हार के का रिकॉर्ड लोकसभा, बनाने के बाद तो उनको अमन सेहरा जी अमन पहनाया जी, गया। मैं कल नहीं नहीं मैं आपको याद दिला दूं, 2019 के लोकसभा चुनाव के हार के बाद तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सब लोग हम लोग कहते रहे कि नहीं नहीं आप इस्तीफा मत दीजिए तो ये मत राहुल जी दीजिए। की जीत है, ना बिल्कुल, ये देखिए मैं मानता हूं कि सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार नहीं, राहुल जी देखिए की जीत है सात ये। नहीं, मैं कह रहा हूं 7 सितंबर 2022 में जब एक नहीं, तरह ये से जीत भारत किसकी जोड़ो है, यात्रा कर्नाटक शुरू की हुई, जीत किसकी, राहुल जी की या डीके शिव कुमार नहीं सिद्धारमैया की? देखिए ये एक तरह से सबसे मैं मानूंगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उनकी जीत है, और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की अभूतपूर्व जीत है और उसकी पहली झलक है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसकी दूसरी झलक हम भारत लोगों को जोड़ो मध्य यात्रा प्रदेश कब में खत्म हुई दिखेगी। थी? भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई, कितना समय हो गया है नहीं देखिए उसका, आफ्टर इफेक्ट अब कर्नाटक में, आफ्टर शॉक थोड़ा, मतलब अब हाँ देखिए, रिजल्ट आ अरे रहा है। देखिए 7 सितंबर ठीक से शुरू हुई थी और हम लोगों ने है उसी समय हाँ देखा था जब ये यात्रा कर्नाटक में गई थी, ठीक है, डीके शिव जफर कुमार और इस्लाम, भारत सिद्धारमैया जोड़ो के बीच में। यात्रा का असर राहुल गांधी और परिवार का करिश्मा और कर्नाटक में सरकार। देखिए सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूं कि आज राहुल जी ने अभी आके 1-1.5 मिनट तक आप लोगों को एड्रेस किया। आज जो अपनी जीत का सेहरा लोगों ने, अगर उसकी वजह से जीत का सेहरा पहनाया गया उनको, तो आखिर जनता को एड्रेस करेगा, कुछ बातें करेगा?
लेकिन ये भी जो उनको बताया गया था, पढ़ाया गया था, समझाया गया था, पीछे खड़े लोग उनके जो पार्टी के कह रहे थे इससे ज्यादा नहीं बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है, वो उनकी बातों का क्या असर होगा बताइए इलेक्शन में? भाई लोकल इश्यूज थे, लोकल इश्यूज पे लड़ा गया था, लोकल इश्यूज में कुछ कुछ बातें उनकी ज्यादा अपील कर गई हैं लोगों में, उनको ज्यादा आशीर्वाद मिला जनता का, इसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी आके इतना भी नहीं बात कर पाए जो उनको बात करना चाहिए था, तो ये किसकी जीत है फिर? डेढ़ मिनट में वो, तो फिर ये किसकी जीत है अगर राहुल जी की नहीं आपके हिसाब से? तो लोकल लीडरशिप डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, उनकी जीत है आपके हिसाब से, या एंटी इनकम्बेंसी 85 से जो है उस एंटी इनकम्बेंसी का रिजल्ट है ये? नहीं देखिए, जो सिद्धारमैया हो, डीके शिव कुमार हो, या और भी कोई लीडर उनके हो, उन्होंने जो झूठ फैलाने में की कोशिश की उसमें कामयाब हुए। जो नैरेटिव बिल्ड करना चाहते थे वो नैरेटिव में कहीं ना कहीं थोड़े कामयाब है, उससे उसका जो है अंतर जो है उनको 5-4% वोट का जो है उनको मिला है और उससे सीटों में तब्दील हुई है, और मुझे नहीं लगता कि इसका और कोई उसका कारण होगा। लेकिन फिर भी जब मैंने कहा आपसे कि इस पूरे चीज की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा करने के बाद जो सही चीजें हैं वो उभर के आएंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे और उस पर हम लोग कोर्स करेक्शन भी करेंगे। ये भी तो कहा जा सकता है ना जफर भाई कि आपकी चीजें नहीं चली, आप जो ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल रहा था उसको, उस रिजर्वेशन को खत्म किया गया, धर्म के आधार पर आरक्षण जो भी आपने कहा उसको खत्म किया गया, उसके अलावा जो तमाम मुद्दे बजरंगबली का या जो तमाम मुद्दे थे उन मुद्दों को नकारा कर्नाटक की जनता ने, वरना 64 और 136, अब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, डबल से भी ज्यादा। पाटिल जी, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि कर्नाटक की जनता ने आशीर्वाद जो है कांग्रेस को दिया है, लेकिन फिर भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कर्नाटक की जनता को, हमने उसने बराबर कर्नाटक की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया है। इस बार अगर कोई कमियां रह गई हूं तो मैंने कहा कि उसको उसकी समीक्षा करके सोचना पड़ेगा आखिर कमियां कहां रही हैं, इसलिए कि और जो भी जो कमियां रहेंगी उसको सुधारेंगे। लेकिन आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कर्नाटक की जनता को धन्यवाद भी देना चाहता हूं पार्टी की तरफ से, और ये भी उनको सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपकी जो उम्मीदें और जो कांग्रेस ने वायदे किए हैं उसको जमीन में धरातल पर उतारने में कंस्ट्रक्टिव रोल हमारी पार्टी करेगी। आपको डीके शिव कुमार से अभी भी कोई उम्मीद बची है? डीके शिव कुमार से कोई उम्मीद बीजेपी को? किस बात की उम्मीद? वो अभी सीएम को लेकर लड़ाई चलेगी ना वहां पर, सिद्धारमैया को सीएम, डीके शिव कुमार से असम रिपीट, कोई डीके शिव कुमार से कोई उम्मीद बीजेपी को अभी? दरवाजे बंद है, मतलब डीके शिव कुमार दरवाजे बंद है, वो असम रिपीट वाली ऑप्शन नहीं है, दरवाजे बंद है, आप ये कह रहे हैं? देखिए इन सब बातों की जानकारी मुझे, जिस चीज की जानकारी नहीं है, जिस चीज के बारे में मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये उनका आंतरिक मामला है, वो अपना डिसाइड करे वो कौन उनका मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं मुख्यमंत्री होगा। हमारे पाले में कुछ ऐसी बातें होंगी तो हम उसका उसकी चर्चा करेंगे, स्पेकुलेट करके कोई ऐसी बातें करना जो है वो अनुकूल नहीं होगा आज के सिचुएशन में। आज तो मैं उनको बधाई दे रहा हूँ, सरकार बनाए, हम एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेंगे, यही हमारी कोशिश होगी। ठीक है, सुप्रिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर पाटिल जी आ रहा हूँ आपके पास, बोलिए। अनुराग भाई आ रहा हूँ, मेरा एक सवाल है जफर भाई से। बिल्कुल लोकतंत्र की जीत हुई है, जीत हार लगी रहती है, इस पे मेरा सवाल नहीं है। सवाल बस इतना है कि आपको नहीं लगता है कि अब एक जो मुद्दे हैं जो हमेशा एक धर्म को आगे रख के रोटी से ज़्यादा राम की चिंता या हनुमान की बातें या इस तरह की बातें, मैं बात कर रही हूँ जो कर्नाटका का एक अर्बन जो एक जेंट्री है, जैसे मैं वहाँ पे जब ग्राउंड पे गई उनसे मेरी बात हुई तो मुझे ये लगा कि उनके दिल में यह है कि उनको ना हनुमान से मतलब ना राम से मतलब, उनको मतलब है कि वहाँ सुरक्षा की क्या बात करते हैं आप, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो ये भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, क्योंकि भ्रष्टाचार जब मान लीजिए माइनिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है इससे आम लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन अगर आधार कार्ड बनाने के लिए भ्रष्टाचार, मतलब इस कदर वहाँ पे भ्रष्टाचार है, करप्शन है, ये मुद्दे थे, और शायद यही एक रीज़न है कि कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हुई है। तो आपको नहीं लगता कि अब कहीं ना कहीं धर्म को जो है दरकिनार करके और मुद्दे की बात होनी चाहिए, अब बीजेपी को इस मुद्दे पर लड़ना चाहिए? नहीं, लेकिन वो तो इशू तो कांग्रेस लेकर आई ना मैनिफेस्टो में। बहरहाल पाटिल जी आप बोल लीजिए, फिर मैं जफर भाई आपके पास आ रहा हूँ, अनुराग भदौरिया आ रहा हूँ, बोलिए आप पाटिल जी कुछ कहना चाह रहे थे आप। एक्चुअली क्या हुआ सर, आप एक अच्छा मुद्दा आपने अभी निकाल दिया था, इन्होंने 40% का सरकार और ये बीजेपी वाले कब इन्होंने गवर्नमेंट बनाया था,
उस वक्त से वो लोग सिर्फ धर्म धर्म में बीच में वो बीच में का इश्यू बना रहे थे, लेकिन उसको डेवलपमेंट का कोई भी मुद्दा नहीं था इनके पास। वो इधर कितना मोदी जी ने 15 रोड शो किया, मोदी जी के नाम पे ये वोट मांगा है, इन्होंने खुद का कुछ डेवलपमेंट का ऊपर वोट नहीं मांगा। और हमारा जेडीएस पार्टी सेक्युलर पार्टी, हम जातिवाद जातीतीत है, हमारा पक्ष का नाम ही जातीतीत है, हम किसका किसी का भी जाति के जाति लेके हम वोट नहीं मांगे थे। हमारा पूरा पूरा हमारा कोशिश ये था कि डेवलपमेंट के ऊपर हम वोट मांगने थे, क्योंकि कुमार स्वामी ने फार्मर का लोन वेवअप किया था, इतना साल 14 महीने का गवर्नमेंट था, उस वक्त 25,000 करोड़ का उन्होंने लोन वेवअप किया था, जनता ने नहीं हमको आशीर्वाद नहीं किया, फिर भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अनुराग अनुराग, क्या इन चुनावों का असर होगा आगे? अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, फिर राजस्थान में, फिर आगे 2024 का चुनाव। अनुराग देखिए, एक चीज तो तय मान के चलिए कि जनता को इस बात का एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे बात नहीं करती, चाहे कर्नाटक का चुनाव हो चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों से हटके राजनीति करना चाहती है, लेकिन जनता ने उनको अब जनता समझ गई है। जैसे अभी आपने बोला कि पहले सोशल मीडिया पे अपनी बातें फैलाते थे, अब बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इन्होंने ज्यादा बातें कर दी, इसके मतलब कि आपके जो प्रोपेगेंडा था वो अब जनता जान चुकी है। नहीं तो देखिए, मैंडेट ऐसे जिस तरह का मैंडेट कर्नाटका में मिला है, जो विधानसभा का चुनाव की बात करें आप, तो एकदम डबल सीटों से भी ज्यादा अगर मैंडेट मिलता है, तो इससे जनता ये अब मान चुकी है, पूरे देश की जनता, कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता के किसान के साथ नहीं होती है, युवाओं के साथ नहीं होती है, महिलाओं के साथ नहीं होती है, देश के विकास की बात नहीं करती है, ये क्लियर हो चुका है। यही मुद्दे मेन होते थे हम लोग जब डिबेट में बात करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डिबेट में कभी बजरंगबली को लेके आ जाएगी, कभी प्रभु राम की बात करने लगेगी, तो वो लोग भी तो बजरंगबली प्रभु राम भी तो जानते हैं ना कि मेरे बच्चों की बात तो लोग करते ही नहीं है, ये हमारे नाम पे राजनीति करते हैं, तो वो भी अब नहीं चाहते कि मेरे नाम पे राजनीति करें। इसलिए इन्होंने जो धर्म की राजनीति शुरू की थी, आप ये इनको इनको समझना पड़ेगा कि धर्म की राजनीति से आपका कुछ नहीं होगा, राजनीति के अंदर धर्म लाना पड़ेगा, ठीक है, राजनीति में धर्म लाना पड़ेगा, तभी आप जाके कुछ हो सकता है, लेकिन अब बीजेपी के बस की बात नहीं है, बीजेपी तो अब पूरे देश से इसका सफाया होना तय है। ठीक है अनुराग, ये जो यूपी के निकाय चुनाव में मेयर पंचायती जो, क्या इसको बुलडोजर मॉडल पर रेफरेंडम या इसको मिट्टी में माफिया पर रेफरेंडम मान सकते हैं हम? आपको लगता है ये उस पर मोहर है जनता की या नहीं? देखिए, अगर आपको एक बात मान के चलनी पड़ेगी, जिस तरह का चुनाव अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जिस तरह का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में शहर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहता था, अब शहर में भी समाजवादी पार्टी घुस गई। अब समाजवादी पार्टी कहते थे परसेंटेज में, परसेंटेज की बात इसलिए कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का ज्यादा परसेंटेज होता ही नहीं था, हमने परसेंटेज हमारे परसेंटेज वहां बढ़ गई है, माने जो मार्जिन होती थी वो एकदम निग्लिजिबल आ गई है। और जहां तक हम निकाय उसकी बात कर रहे थे, पंचायत की और नगर पालिका की, उसमें तो उसमें भी समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है, तो इसके मतलब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से शहर के अंदर में भी समाजवादी पार्टी ने अपनी पैठ बना ली है। अब भारतीय जनता पार्टी को उसमें भी नुकसान होगा आने वाले दिनों में, भारतीय जनता पार्टी को वहां भी हार देखने का हमारे हार का मुंह देखना पड़ेगा। ये कोई आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह आराम से जीत गया, पहले के चुनाव देख लीजिए, 2017 में भी चुनाव हुए थे, क्या नगर पालिका के 18 में। अनुराग फिर वही सवाल, क्या ये यूपी के नगर पालिका पंचायत ये जो चुनाव हुए, क्या ये बुलडोजर मॉडल पर रेफरेंडम, हाँ या ना? कोई बुलडोजर रेफरेंडम कहीं कुछ नहीं है, ये चुनाव सीधा सीधा मुद्दों की बात पे होता है, इन्होंने तो डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन जनता अपने मुद्दों पे अड़ी रही, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाँ, इसलिए 17 में से 17 मेयर बीजेपी के बन गए। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इसके पहले भी 17 मेयर बीजेपी के थे, बीजेपी को 17 मेयर पहली बार ही मिले हैं, इसके पहले भी थे, लेकिन उसके बाद मार्जिन कितना होता था आप देखिए, इनके पास मार्जिन कितना ह्यूज मार्जिन होता था, 1.5 लाख 2 लाख वोटों से जीते थे। आज मार्जिन क्या हो गया, आज मार्जिन घट के आ गया 500,000, तो सोचो इनकी हालत। और फिर जबकि सत्ता पूरी है, सत्ता का जितना उपयोग कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया, जितना उपयोग कर सकते थे। आप देखो ना कि जैसे हमने आपको इंसिडेंट सुनाया आपको, किस तरह से पुलिस का जो मतलब आप खुश हैं, आप
आप, मैंने सुना है। आप यूपी निकाय चुनाव के नतीजों से खुश है संतुष्ट है? बस बात खत्म, मैं इतना ही जानना चाह रहा था, आप खुश है संतुष्ट है यूपी निकाय चुनाव के नतीजों से? ठीक है ना, मैं कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ऑडियो चला गया अनुराग, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए।